बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग जो है अभी हमें पता नहीं था कहाँ जाएंगे हम, तो इसलिए हम लोग एयरपोर्ट रोड पे आ गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा फसलें हैं, यहाँ पे बहुत ताज़ा हवा यहाँ से आ रही है और सारे रक्षा, ये भी हमारा है जो जिस पे हम आए हैं और सारे जो है रक्षा से उतर गए हैं और इधर उधर फिर रहे हैं। और क्या नाम है, यहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पे, और कब्बे जो हैं ऊपर बैठ के काएँ काएँ करे जा रहे हैं और इब्राहिम यहाँ पे देखो घूमे जा रहा है और सारे जो है तहरा आंटी अपना व्लॉग शूट कर रही हैं और काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद आई थिंक सो कि महीनों के बाद उनको याद आ गया कि मैंने भी वीडियो डालनी है। पता नहीं क्या करती हैं, छोड़ देती हैं अपना काम। ताहिरा आंटी यहाँ आएगी, मेरी तरफ फ्रंट कैमरा है। अच्छा, इत्थे आओ। मैंने सुना उधर है, मतलब कैसा मजा आया? हाँ मजा तो आ रहा है मुझे आपको महीनों बाद। वो देखो वो सामने कार भी खराब हुई, उनकी टायर वगैरह उतारे हुए वो सही कर रहे हैं। अच्छा, तो हम घूम जाते हैं, घूम के चला तो सीढ़ी घूम जा। वो देखो वो उनकी कार खराब है वो रही। और तारा आंटी मेरी बात सुने, इतने महीने बाद आपको कैसे याद आया कि आपने वीडियो जो है डालनी है? मेरे भी आधे से ज़्यादा वॉच टाइम हो चुका था जो मैंने वीडियो ना देने की वजह से, वो सारे मेरे ख़त्म हो गया वॉच टाइम। अब इसीलिए नहीं नहीं, अब मैं डेली इंशाल्लाह ताला डेली दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज से शुरू करती हूँ। ओए वो देखिए इतनी ज़्यादा गाय, सारी गाय आ रही है, कॉलेज भी बनाया है, ये लगता है अपने घर में लेके जा रहे हैं। ये डॉगी भी है, काट ना ले डॉगी, लग भी रहा है ऐसे, काट ना ले। इब्राहिम गाय खा जाएगी क्या है? वो क्या है गाय? आपको डर लगता है गाय से? आओ आपको छोड़ के आऊँ गाय के पास। पुलिस ऑफिसर से मिलके कहता मैंने वो बनना है। क्या पुलिस वाला? अच्छा, मेरे बेटे को पुलिस बनने का बहुत शौक है, गोलियां मारेगा सबको। हाँ, सबको मुर्गा बना के रोड पे फूंकेगा। अभी हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा नया। तो ये है रहीम यार खान का एयरपोर्ट। और जब मम्मा वाले सऊदी अरब गए थे ना, तो तब मम्मा वाले गए थे और ये अंदर से मम्मा बता रही हैं कि बहुत खूबसूरत है। मैंने अंदर से तो नहीं देखा हुआ, तो मम्मा कह रही हैं अंदर से बहुत खूबसूरत है, बाहर से बस ऐसे ही है ये। तो यहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह आती हैं और सारा जो है ना फ्लाइट्स वगैरह यहाँ से ही आती हैं और जाती हैं, तो अंदर से प्यारा है ये और बहुत बड़ा। जो मेन गेट है ना वो आ गए, वहाँ से तो नहीं जाने देते। तो यहाँ से हमारी भी फ्लाइट गई थी इस तरफ। अच्छा, जहाँ पे वो फ्लैग्स बने हुए हैं। हाँ, यहाँ वहाँ पे और वो देखे स्टेशन और स्टेशन गाड़ी है, गाड़ी जा रही है, स्टेशन ही है, स्टेशन दूर है, दूर है ना। काफ़ी खामोशी है यहाँ पे। अब बस मैं भी दुआ करती हूँ कि हम लोग भी जल्दी से सऊदी अरब जाएं, फिर हम जब जाएंगे तब हम यहीं से ही जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी बहुत जल्द दुआ कबूल करेगा और हम भी जाएंगे सऊदी अरब उमरा करने या हज करने। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे भी जाके जो जो कुछ देखेंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। नानी वाले वो देखे वो सारे खड़े हुए हैं और अभी जो है मम्मा वाले भी जाने लग गए हैं और वो देखे मम्मा भी बोरी। अभी हम लोग आगे चलने लगे, कांटा लग गया। पता नहीं आज शायद हमने आना था इसलिए। अक्सर खड़ा होता है क्योंकि दो तीन दफा आए ना तो येलो कलर का ना जहाज, जिन पे यानी कि वो सिखाते भी हैं पायलट वगैरह को, तो वो छोटा सा इधर खड़ा होता है, आज नहीं है वो ही मैं देख रही हूँ। कोई नहीं, हो सकता आगे को करके खड़ा हो, यहाँ से इतना नजर भी नहीं आ रहा ना, आगे को करके हो सकता खड़ा हो, नहीं होता तो इधर ही है, कोई नहीं आगे हो खड़ा कर दिया होगा इसको शायद।
अच्छा ये सामने है, ये मेन गेट जहाँ से इंटर होते हैं आगे जाने के लिए। और ये देखें, ये इनका लॉन बना हुआ है। लास्ट टाइम मैंने 2016 में देखा था ये। कब? 2016। हाँ तभी आए थे। अब हम काफ़ी अरसे के बाद आए, हालांकि ये हमारे घर के करीब ही है, इतनी दूर नहीं है। यहाँ आने में तकरीबन 10 मिनट हमें लगते हैं, अगर बाइक पे आए तो 10 मिनट लगते हैं, रिक्शे में 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते होंगे। और ये देखें काफ़ी माशाल्लाह अंदर से ये प्यारा है, और काफ़ी फ्लावर वगैरह वो आगे लगे हैं हमें, लेकिन ये अंदर जाने नहीं देते हैं। हम जब गए थे ना, हम वहाँ से, वो जो सामने गेट है ना, वहाँ से हम गए थे और फिर वहाँ पर आई थी फ्लाइट, तो अंदर से बहुत प्यारा है ये। इब्राहिम, ओ इब्राहिम, आपने जाना है एरोप्लेन में? बैठते हैं, बैठना है। वो देखिए दरख्त कितना प्यारा लग रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, जाल सा ऐसे लग रहा है ना, जैसे जाल बिछाया हो, लेकिन ये ना पत्ते हैं, आगे भी है, उससे पीछे भी एक दो मुझे नजर आए थे, ये लेकिन पत्ते हैं और इतने लंबे लंबे पत्ते हैं, ये शाखें हैं, कोई वो बेल होती है पता नहीं क्या, ये फिर वो पूरा दरख्त खराब भी कर देती है ये। फिर तो बड़ी खतरनाक है ये। मेरा मास्क उतार रही है, तू उतारो। क्या है, रमीन है, रमीन है, गंदी रमीन। आगे जाके एक यूनिवर्सिटी भी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा सहूलत है कि निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी ना यहाँ पे आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि 6 महीने में, मतलब पहले तो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो 1 साल में हमें सारे देना पड़ता है ना पेपर वगैरह, लेकिन यहाँ पे ना 6 महीने में हाफ, इस तरीके से बहुत आसानी से बंदा पास हो सकता है, असाइनमेंट दे के फिर बाद में वो टेस्ट देते हैं और दे के करो। ये देखें, ये है इसका गेट, ये देखें, यहाँ पे पार्किंग एरिया बाइक्स वगैरह खड़ी करने के लिए, ये सारा। और देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ पे गंदुम की फसल है, जाके देखते हैं हम। मैं भी जाऊँगा वो साइड से, रास्ते वो साइड से। ध्यान से गिरना जाना। ये देखें गंदुम, हाँ इब्राहिम, यहाँ बिजली गिरी होगी, हो सकता है। कौन सी बिजली? बिजली, पानी बिजली। तो हम लोग अभी वहाँ से आ गए हैं और अभी जो है हम लोग घर जाने लगे हैं, और घर अभी जाके थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँ। वेशक नान के घर आई थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था यहाँ पे, दिल ही नहीं लग रहा था मेरा यहाँ पे, फिर अब इसलिए फिर जा रहे हैं। मैंने वहाँ भी कह रही थी कि बस थोड़ी देर तक चलते हैं, मैंने कहा नहीं बस चलो घर, अभी मैं घर जा रही थी। और ये देखें यहाँ पे मैं, क्या है चिड़ियाघर में भी था। अभी हमारा का इंतजार ही कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, और वो भागती हुई आ रही है, आइसक्रीम लेने, आइसक्रीम लेने गई थी। ये देखें हमारा को सारी कोऑर्डिनेटर लेके आई है, 30 वाली। हाय हाय मजे मजे भोले वाली है। तो अभी घर पहुंचने ही वाले हैं, हमारी गेम तो रह गई जो आपको बताया था, अंडा फोड़ा। हाँ, और थरोंडी के ऊपर चुन चुन के मैं, मुझे टूटा हुआ कप दिया था ना कोई, नहीं भाई पहुंचने ही वाले हैं। अब देखें पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए ना, ये देखें
गली पहले सारी टूटी फूटी थी, वो देखिए आगे सब टूटी फूटी है, जहाँ तक हम लोगों ने बनवाई है वहाँ तक ठीक है, बाकी सारी ये टूटी हुई है, बाकी सारी ठीक है वो टूटी हुई है। हाँ मैं थक गई हूँ। हाँ मम्मा इस पर प्लस्तर होगा इस दीवार पे? हाँ सारा होगा। पहले इतना छोटा था ये घर, अब देखो खंबा बन गया, हमारे घर से भी ज़्यादा, हमारे घर से भी ज़्यादा लंबा हो गया। सारे मज़े से कॉर्नेटो खोल के खा रहे हैं और मैंने भी खोल ली, मैं भी खाने लगी। मम्मी से लग रही थी ना हम कॉर्नेटो खा रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। जिराफ़ आ गया, उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी दे देंगे। आहा बड़ा बैग पड़ा है। तो बस आज का मेरा इतना व्लॉग था, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बता देना वो कौन सा परिंदा है, तो बता देना आप लोग। तो बस अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, बाय बाय।